हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज हम ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से क्रोशिया से डॉयली बनाना सीखेंगे, जो कि बनाने में बेहद आसान है और मैंने स्टेप वाइज इसे बताया है और साथ में मैंने इसके इंग्लिश कैप्शंस भी दिए हैं ताकि और इजीली आपको समझ में आए। और इसको आप जो है, क्योंकि कॉटन थ्रेड से मैंने बनाया है तो इसे आप टेबल्स पे यूज़ कर सकते हैं, एज़ जो है टेबल मैट यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसे फुट मैट, डोर मैट कुछ भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, थालपोश की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये कॉटन थ्रेड लिया है, कॉटन का धागा लिया है 16 TKT का, और जो ये हमारा क्रोशे हुक है 1.75 mm साइज है, 1.75 mm साइज। तो चलिए इसे अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम फाउंडेशन चेन्स बनाएंगे। देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा। पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे, इस तरह से टाइट कर लेंगे। अब चार चेन्स लेंगे, 1 2 3 4। चार चेन्स लेने के बाद जो फर्स्ट चेन है उसमें इस तरह से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे ऐसे। और अब हमने अगले जो राउंड स्टार्ट करना है उसके लिए तीन चेन्स लेनी है। जो ये तीन चेन्स है ये हमारा एक डबल क्रोशे काउंट होगा हर राउंड में। हर राउंड को स्टार्ट करने के लिए हम ऐसे ही तीन चेन्स लेंगे और उनको एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे। अब ये जो हमने रिंग बना लिया इसमें हमने 15 इस तरह से डबल क्रोशेज बना लेने हैं, एक तो ये चेन्स और 15 डबल क्रोशेज। मेक 15 डबल क्रोशेज इंटू दिस रिंग। तो ये अब हम पहले 15 डबल क्रोशेज बना लेते हैं, फिर टोटल ये 16 हो जाएंगे इन चेन्स का जो एक डबल क्रोशे इसको काउंट करते हुए। तो ये 16 डबल क्रोशेज बनाने के बाद ये जो हमने तीन चेन्स ली थी इसमें हम इस तरह से इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे ऐसे। ये एक राउंड हमने कंप्लीट कर लिया डबल क्रोशेज का। अब फिर तीन चेन्स लेंगे, देखिए ये फिर एक डबल क्रोशे हमारा काउंट हो रहा है। अब एक हम चेन लेंगे और उसके बाद ये जो हमारा चेन स्पेस है ये इसमें हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे यूं। फिर एक चेन लेंगे और इस चेन स्पेस में एक डबल क्रोशे बनाएंगे, क्योंकि अब रिंग जो है ये बढ़ेगी हमारी तो उसके लिए हमें स्टिचेस को बढ़ाना है। तो अब जैसे ये 16 हमारे डबल क्रोशेज हैं तो 16 ही ये वाले डबल क्रोशेज भी बन रहे हैं, लेकिन बीच में एक चेन बनने की वजह से ये जो है ऐसे रिंग बढ़ रहा है। तो अब ये एक चेन एक डबल क्रोशेज बनाते हुए फिर से हम ये 16 डबल क्रोशेज बनाएंगे। 16 ही चेन्स बनेंगी, 16 ही डबल क्रोशेज बनेंगे, 16 डबल क्रोशेज। ये देखिए इस तरह से हमने ये रिंग कंप्लीट किया और अब फिर हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे यूं। फिर से तीन चेन्स लेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए ऐसे। और अब हमने हर जो ये हमारी तीन चेन्स का स्पेस बना है इसमें तीन तीन डबल क्रोशे बनाते जाना है। एक ये हमारी चेन्स वाला बन गया, दो हमने इसमें और बना लिए तो ये तीन हो गए। अब अगले चेन स्पेस में तीन बनाएंगे, ऐसे हर चेन स्पेस में तीन तीन बनाते हुए ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेंगे। मेक 3 डबल क्रोशेज इनटू ईच चेन स्पेस। तो ये पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमने तीन तीन जो है डबल क्रोशेज हर चेन स्पेस में बना लिए हैं। टोटल हमारे 16 यानी कि 16 ये चेन स्पेसेस थे, तो 48 हमारे ये डबल क्रोशेज बने हैं, 48 डबल क्रोशेज। अब हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और नेक्स्ट जो राउंड है उसके लिए फिर से ये तीन चेन्स वाला एक डबल क्रोशे बनाएंगे। और इसके अलावा हमने चार और डबल क्रोशेज बनाने हैं। मेक 4 डबल क्रोशेज इनटू 4 चेन्स। तो ये जो हमारे चेन स्पेसेस हैं चार, इनमें हमने चार डबल क्रोशेज और बना लेने, तो टोटल ये पांच रहेंगे। ये देखिए ऐसे पांच डबल क्रोशेज हुए। अब यहाँ पे हमने तीन चेन्स लेनी है, चेन 3, और एक चेन स्पेस छोड़ के फिर से हमने यहाँ पे पांच डबल क्रोशेज बनाने हैं। मेक 5 डबल क्रोशेज। तो फ्रेंड्स हमने तीन चेन्स ली है, अगर आप बारीक धागा यूज करेंगे तो आपको दो ही चेन्स लेनी होंगी, क्योंकि हम ये थोड़ा सा थिक थ्रेड यूज कर रहे हैं तो ये हमारा सर्कल बड़ा बन गया है इसलिए हम इसमें तीन चेन्स ले रहे हैं। तो ये हमारे फिर से 5 डबल क्रोशेज हुए, 5। फिर से तीन चेन्स लेंगे, 1 2 3, फिर से 5 डबल क्रोशेज बनाएंगे। तो ये हमने अब ये हमारे 8 जो है इस तरह से पांच पांच के जो ग्रुप्स हैं ये बनेंगे। तो ये हम पूरा राउंड ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं।
ये इस तरह से हमने फिर से जो है देखिए पांच पांच डबल क्रोशेज बनाए हैं तीन तीन चेन्स के बाद। अब फिर यहाँ पे हम तीन चेन्स लेंगे और स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर लेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, फिर से यहाँ पे तीन चेन्स लेंगे और इसी चेन स्पेस में एक डबल क्रोशे और बना लेंगे। अब एक एक डबल क्रोशे हमने जो ये हमने पांच बनाए थे इनके ऊपर बनाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमने जो थे पहले पांच बनाए थे और अब हमने इन पांच के आगे और पीछे एक एक एक्स्ट्रा बनाना है, यानी कि अब हमारे सात बनेंगे, 7 जो है डबल क्रोशेस बनेंगे और बीच में हमारी तीन चेन्स जो थी वो अब चार हो जाएंगी, 1 2 3 4 4 चेन्स, फिर सात डबल क्रोशेस, फिर चार चेन्स। तो यही अब हमने करना है, 7 डबल क्रोशेस एंड 4 चेन्स की रिपीटिंग। ये देखिए यहाँ पे हमने जो फर्स्ट वाला है इसमें दो इस तरह से डबल क्रोशेस बनाने हैं और उसके बाद एक एक बनाएंगे, 3 4 5 6 एंड 7। ये देखिए ऐसे, तो जो ये पांच थे अब ये सात हो गए। अब फिर चार चेन्स लेंगे, 1 2 3 4, फिर यही करेंगे। तो पूरा राउंड ऐसे ही बनाकर कंप्लीट करेंगे अब सात सात वाला। तो फ्रेंड्स देखिए हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है और फिर से हम यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद सेम ऐसे ही फिर से हम तीन चेन्स बनाएंगे यही प्रोसीजर फॉलो करते हुए। और अब हमारे ये जो है डबल क्रोशेज ये 9 हो जाएंगे, 9 डबल क्रोशेज हो जाएंगे ऐसे, और जो चेन्स है ये 5 हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। तो 9 डबल क्रोशेज और 5 चेन्स हम इस बार बनाएंगे ऐसे, 8 एंड 9 और 1 2 3 4 5। और फिर से यहाँ पे हम दो डबल क्रोशेज बनाएंगे इस पहले वाले में और बाकी में आठ जो है सात और बनाएंगे। तो ये हमने जो दो राउंड्स बनाए हैं वैसे ही हम ये चार राउंड्स और बना लेंगे, मेक 4 मोर राउंड्स। एक तो ये जो हम बना रहे हैं इसके अलावा जो अभी हमने शुरू किया है इसके अलावा 3 और राउंड्स हम बना लेंगे। तो ये पहले हम इसी तरह से बना लेते हैं फिर मैं आपको बताऊंगी तो और इजीली आपको समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से चार और राउंड्स हम बना चुके हैं और टोटल हमारे 1 2 3 4 5 6 राउंड्स ये वाले बने हैं चेन्स वाले। ये जो लास्ट राउंड है ये हम एक बार रिपीट करेंगे, रिपीट द लास्ट राउंड, यानी कि फिर से हमने जितने ये जो डबल क्रोशेस बनाए हैं 15 डबल क्रोशेस और जो चेन्स थी हमारी वो हमने यहाँ पे 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 और फिर इसमें भी साथ ही ली थी और नेक्स्ट राउंड में भी 7 चेन्स ही लेंगे, साथ ही चेन्स लेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए 3 4 5 6 7 7 और जो अब नेक्स्ट राउंड बनाएंगे उसमें भी 7 चेन्स लेंगे और 15 डबल क्रोशेस बनाएंगे जैसे ये बने हुए हैं। तो सेम यही वाला राउंड हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स एक और राउंड हम वैसे ही बना चुके हैं जैसे हमने लास्ट राउंड बनाया था सेम, और अब हम इसे फिर से वैसे ही पहले तो ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से, उसके बाद हमने यहाँ पे पैटर्न को चेंज कर लेना है। अब देखिएगा ध्यान से हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो एक चेन लेंगे और ये एक चेन स्पेस जो है इसे स्लिप कर लेंगे, इसे नहीं इससे अगले वाले चेन स्पेस में ऐसे एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर हर चेन स्पेस में एक एक सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे, 1 सिंगल क्रोशे इनटू ईच चेन स्पेस और लास्ट का भी हम एक चेन स्पेस छोड़ लेंगे। यानी 15 डबल क्रोशेस थे हमारे इस राउंड में तो 13 सिंगल क्रोशेस बनेंगे, 13 सिंगल क्रोशेस ऑन 15 डीसी। तो पहले हम ये 13 जो है यहां तक बना लेते हैं। ये देखिए ऐसे हमने ये 13 सिंगल क्रोशेस बनाए। अब हम यहाँ पे चार चेन्स लेंगे, 1 2
थ्री फोर। फोर चेन्स लेने के बाद ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। वैसे तो हम ऐसे भी जो है डबल क्रोशे बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा परफेक्ट अगर बनाना है तो हम ये बीच वाली चेन लेंगे। देखिए जो ये मिडल चेन है इस पे हम ऐसे तीन डबल क्रोशे बनाएंगे। मेक थ्री डबल क्रोशेस, वन टू थ्री। फिर चार चेन्स लेंगे, वन टू थ्री फोर। और फिर से देखिए एक चेन स्पेस ये वाला जो है इसे हम स्किप करके नेक्स्ट वाले से एक एक सिंगल क्रोशे बनाना स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो पहले हम ये 13 सिंगल क्रोशेस बना लेंगे, उसके बाद फिर से हमने यही रिपीट करना है, फोर चेन्स थ्री डबल क्रोशेस, फोर चेन्स यहाँ पे, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशेस। तो ये पूरा राउंड ऐसे ही बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक हम जो है इसी तरह से बनाते गए थे। फिर यहाँ पे लास्ट की चार चेन्स लेंगे और फिर इसे इस पॉइंट से ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे ऐसे। एक चेन लेंगे। अब जो ये हमारे 13 थे, 13 थे सिंगल क्रोशेस, अब ये 11 रह जाएंगे। मेक 11 सिंगल क्रोशेस। तो ये पहले हम 11 अब बना लेते हैं, एक हम यहाँ पे जो है छोड़ देंगे इससे पीछे तक। तो हमने ये 11 जब कर लिए हैं सिंगल क्रोशेस, अब फिर से यहाँ पे चार चेन लेंगे, चेन फोर। और अब देखिए हमने क्या करना है, ये जो चेन स्पेस है यहाँ पे अब हम तीन डबल क्रोशेस बनाएंगे ऐसे, वन टू थ्री ऐसे। अब बीच में दो चेन लेंगे, चेन टू, और फिर तीन डबल क्रोशेस इस तरह बनाएंगे, क्योंकि हमारा सर्कल ये बढ़ रहा है तो ये हमारे जो क्लस्टर है जो हम ये तीन का बना रहे हैं ये अब हमारे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे ये दो हो गए, पहले यहाँ पे एक बनाया था हमने। अब फिर चार चेन लेंगे, वन टू थ्री फोर, और फिर से यहाँ पे एक को स्किप करेंगे और अगले से 11 सिंगल क्रोशेस बना लेंगे। मैं 11 सिंगल क्रोशेस, और फिर यही हमने सारे में रिपीट करना है, 11 सिंगल क्रोशेस, फिर चार चेन्स के बाद दो डबल क्रोशे, फिर दो चेन्स के बाद दो डबल क्रोशे, फिर चार चेन्स। तो पूरी हम राउंड ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये राउंड हमारा फिर से कंप्लीट हो चुका है ये इस तरह से। और फिर हम यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद अब फिर से सिंगल क्रोशेस बनाएंगे, एक चेन लेकर, सॉरी ये देखिए इस बार हमारे ये 9 जो है सिंगल क्रोशेस बनेंगे, 9 सिंगल क्रोशेस। तो पहले हम ये बना लेते हैं, ये देखिए इस तरह से 9 सिंगल क्रोशेस बनाने के बाद फिर हम चार चेन्स लेंगे और तीन डबल क्रोशेस जैसे बना रहे थे वैसे बनाएंगे पहले, वन टू थ्री, फिर दो चेन्स लेंगे, वन टू, और ये जो बीच का चेन स्पेस है इसमें फिर से तीन डबल क्रोशेस बनाएंगे, वन टू थ्री, फिर से दो चेन्स लेंगे, फिर इस तरफ इसी तरह से तीन डबल क्रोशेस बनाएंगे और फिर चार चेन्स लेकर, और फिर यहां पे हमने जैसे हर बार कर रहे थे 9 सिंगल क्रोशेस बना लेंगे, 9 सिंगल क्रोशेस। तो अब ये वाला राउंड भी हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, 9 सिंगल क्रोशेस, फिर जैसे हमने ये बनाया ये यहाँ पे बनेगा। तो ये पूरा राउंड ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये भी राउंड हमारा इस तरह से बन चुका है। अब ये जो है हमने चार चेन्स ली है और फिर से हम यहाँ पे इसे ज्वाइन कर लेंगे ऐसे स्लिप स्टिच से, फिर एक चेन लेके अगले राउंड के लिए हम 7 सिंगल क्रोशेस बनाएंगे, 7 सिंगल क्रोशेस। तो पहले ये 7 सिंगल क्रोशेस हम बना लेते हैं, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं इसे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब इस बार हमने यहाँ पे 5 चेन्स बनानी है, चेन 5, क्योंकि अब ये देखिए ये अब ऊंचा जा रहा है हमारा ये जो हमने ये क्लस्टर्स बनाए हैं, इसलिए हमें यहाँ पे 5 चेन्स बनानी होंगी, 1 2 3 4 5, और फिर
तीन डबल क्रोशेस तो जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। वन टू थ्री, फिर दो चेन्स लेंगे, फिर इस चेन स्पेस में तीन डबल क्रोशेस बनाएंगे। वन टू थ्री, फिर दो चेन्स लेंगे, इस नेक्स्ट चेन स्पेस में फिर से तीन डबल क्रोशेस बनाएंगे। वन टू थ्री, दो चेन्स। और अब जो ये वाला हमारा डबल क्रोशेस बनेंगे तीन, उसके बाद हमने फिर से पांच चेन्स लेनी है, थ्री डबल क्रोशेस एंड फाइव चेन्स। और फिर से हमने यही चीज रिपीट करते जाना है। देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव, पांच चेन्स ली और फिर यहाँ पे सात सिंगल क्रोशेस बना लेंगे, सेवन सिंगल क्रोशेस। तो फिर हम जो ये चीज यहाँ पे बनाई, यही सारा रिपीट करते हुए ये राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका। अब फिर से यहाँ पे हमने पांच चेन्स, एक दो तीन चार पांच चेन्स ली और फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच पहले हम बनाएंगे, एक चेन लेंगे और फिर पांच सिंगल क्रोशेस, वन टू एक। जो हम ये चेन लेते हैं ये एक सिंगल क्रोशे काउंट होता है और चार हमने और ले लिए। अब फिर यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, इस बार हम छह चेन्स लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने चार 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 और फिर ये पांच चेन्स ली थी, अब यहाँ पे फिर हम छह चेन्स लेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो है ये देखिए ये कम बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ये पैरेलल जो चल रहे हैं ये डबल क्रोशेस ये जल्दी बढ़ रहे हैं, इसलिए हमने चेन्स जो है वो लॉन्ग कर दी है, लंबी कर दी है। और फिर यहाँ पे ऐसे ही हम तीन का ये क्लस्टर बनाएंगे, दो चेन्स, वन टू और फिर आप जो है क्रोशे हुक को इस तरह से भी पकड़ सकते हैं और जैसे मैं नॉर्मली पकड़ती हूँ वैसे भी पकड़ सकते हैं। ये देखिए, वन टू थ्री। तो ये वाला राउंड पहले हम, ये देखिए, अब ऐसे ही हम ये दो दो चेन्स लेते हुए यहां तक बनाएंगे, फिर यहाँ पे छह चेन्स लेंगे और फिर इस बार हमारे ये पांच जो है सिंगल क्रोशेस आएंगे, फाइव सिंगल क्रोशेस। तो ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये भी राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इस राउंड को देखिए हमने कैसे फिनिश करना है। यहाँ पे हम चेन्स नहीं लेंगे क्योंकि नेक्स्ट राउंड हमारा यहाँ से शुरू होना है। ये पैटर्न अब हम चेंज करेंगे यहाँ पे इस राउंड से। तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसे जो है चार बार धागा लपेटेंगे, वन टू थ्री फोर, फोर यार्न ओवर्स किए और ये जो बीच वाला स्टिच है इसमें से ऐसे हम जोड़ते हुए इसको पहले ऐसे दो का एक करेंगे, फिर इन अगले दो लूप्स का एक करेंगे, फिर इन दो का एक, दो का एक और फिर लास्ट वाले दो का एक कर देंगे। तो ये जो चेन्स थी इनको अब हमने ऐसे बनाकर जो है कवर किया ताकि हम नेक्स्ट राउंड जो है वो स्टार्ट कर सकें। ये देखिए, अब नेक्स्ट राउंड में हमने क्या करना है, सात चेन्स लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, सेवन चेन्स ली। और ये देखिए, ये जो हमारे तीन डबल क्रोशेस थे इसके टॉप पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है, एक एक, एक दो तीन, तीन सिंगल क्रोशेस ये बनाए, जैसे हमने ये किया था राउंड वैसे ही करेंगे। अब ये जो दो चेन्स है इनके बीच में दो जो है सिंगल क्रोशेस बनेंगे ऐसे। तो ये हमने सारे जो डबल क्रोशेस हैं इनके ऊपर ऐसे ही बनाना है, तीन और दो, ये देखिए थ्री एंड टू। तो ऐसे तीन दो जो है सिंगल क्रोशेस हम इन सारे ही जो हमारे ये शेल्स बने हैं इन पे बना लेंगे। थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, तीन एक दो।
तो ये टोटल हमारे 23 यानी कि 23 सिंगल क्रोशेस बनेंगे। आपने ये काउंट भी कर लेने हैं, ये इतने ही होने चाहिए तभी हम अपने नेक्स्ट राउंड को स्टार्ट कर पाएंगे। देखिए फिर यहाँ पे दो ही लेंगे, फिर तीन लेंगे जो डबल क्रोशेस ये वाले हैं इनके ऊपर, तो लास्ट के ये जो तीन जो ये है शेल इसके ऊपर भी एक एक सिंगल क्रोशे आ जाएगा। 1 2 3 ऐसे। और अब फिर हम 7 चेन्स लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर यहाँ पे हमने इस डबल क्रोशे के ऊपर से फिर से ऐसे ही सिंगल क्रोशे वाली ये जो है लाइन बना लेनी है जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो ये भी हमारे 23 ही सिंगल क्रोशेस होने चाहिए, 23 सिंगल क्रोशेस होने चाहिए। तो पूरा राउंड अब हम ऐसे ही बनाकर कंप्लीट कर लेंगे, 23 सिंगल क्रोशेस और 7 चेन्स, 23 सिंगल क्रोशेस एंड 7 चेन्स, पूरे राउंड में ये रिपीट करेंगे। देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे हमने ये यहाँ तक जो है 23 सिंगल क्रोशेस बना लिए हैं, 23 सिंगल क्रोशेस। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम एक चेन लेंगे क्योंकि सिंगल क्रोशे वाला राउंड है ये, तो एक चेन ली। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हमने 1 2 3 और 4 चार चेन्स लेनी है नेक्स्ट राउंड के लिए। और जैसे हमने यहाँ पे किया था ये क्लस्टर स्टार्ट या शेल स्टार्ट, वैसे ही यहाँ पे अब ये शेल स्टार्ट करेंगे बीच में यू। तो फिर से यहाँ पे हम जो है 3 डबल क्रोशे बनाएंगे सेम पॉइंट में, 1 2 एंड 3, फिर से 4 चेन्स लेंगे, 1 2 3 4। और अब देखिए ये हम पहला सिंगल क्रोशे स्किप कर लेंगे और इससे अगले में हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो जैसे हमने यहाँ पे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी घटाते हुए बनाया था वैसे ही यहाँ पे बनाएंगे। देखिए अब एक एक बनाते जाएंगे तो ये हमारे अब 21 सिंगल क्रोशेस बनेंगे, 21 सिंगल क्रोशेस हमने ये बना लेने हैं। तो पहले हम ये यहां तक बना लेते हैं, एक हम जो है यहाँ का भी स्किप कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये 21 सिंगल क्रोशेस बना लिए हैं, लास्ट वाला सिंगल क्रोशे हम स्किप कर देंगे और यहाँ पे फिर से हमने 4 चेन्स लेनी है, 1 2 3 4 और फिर से जो ये बीच वाला एक चेन है इसमें 4 डबल क्रोशेस बना लेंगे। तो ये पूरा का पूरा राउंड हम अब ऐसे ही बना लेंगे, 21 सिंगल क्रोशेस, 4 चेन्स, 3 जो है वो डबल क्रोशेस एक ही पॉइंट में और फिर 4 चेन्स। तो 3 और ये 4। तो अब ये पूरा राउंड ऐसे ही बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम इसे स्किप कर लेंगे और यहाँ दूसरे वाले सिंगल क्रोशे से बनाना शुरू करेंगे। तो ये पूरा राउंड पहले बना लेते हैं। तो देखिए ये वाला राउंड कंप्लीट करने के बाद अब हमारे पास लास्ट में जो है 21 की जगह 19 यानी 19 सिंगल क्रोशेस हुए हैं, जो ये दो हमने पहले ही बनाए थे। अब हम इसे एक स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे यहीं से ही और फिर एक चेन लेंगे अगले राउंड के लिए। अब फिर इसके बाद 4 चेन्स जो है वो हमारी जो ये पैटर्न के लिए चलनी थी 4 चेन्स वो ले ली। अब यहाँ पे हमने जैसे ये चीज की थी पहले एक का बनाया था शेल, फिर दो का, फिर तीन का, तो ऐसे ही यहाँ पे करना है। तो ये शेल बना लेंगे यहाँ पे ऐसे, 1 2 3 फिर 2 चेन्स, 1 2 और फिर एक शेल इस तरफ भी बनाएंगे, 1 2 3 और फिर 4 चेन्स लेंगे, 1 2 3 4 ज्यादा लूज नहीं लेनी है ये चेन्स। अब फिर यहाँ पे देखिए ये एक जो है उसे स्किप करेंगे और यहाँ से एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस बार ये हमारे 19 सिंगल क्रोशेस बनेंगे, 19 सिंगल क्रोशेस। तो ये अब हम 19 सिंगल क्रोशेस पहले बना लेते हैं।
उसके बाद जैसे यहाँ पे ये हमने दो बनाए हैं शेल्स, वैसे यहाँ पे भी दो बनेंगे। तो होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये राउंड कंप्लीट होने के बाद अभी हमारे पास ये 17 यानी कि 17 सिंगल क्रोशेस हुए हैं लास्ट में। और यहाँ पे हम फिर से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर एक चेन लेंगे। इसके बाद हमारा नया राउंड शुरू होगा जिसमें हमने फिर से चार चेन्स लेनी है, 1 2 3 4। और फिर यहाँ पे ऐसे ही तीन डबल क्रोशेस बनाएंगे, 1 2 3। अब क्योंकि ये समझ में आ ही चुका है तो थोड़ा और फास्ट कर लेंगे अभी से, 1 2 3। फिर दो चेन्स, फिर आगे 1 2 3। और इस बार हमारे ये सिंगल क्रोशेस जो है ये 17 हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। चार ये चेन्स ली और देखिए यहाँ से शुरू करेंगे और 17 सिंगल क्रोशेस बनाते जाएंगे, 17 सिंगल क्रोशेस। तो अब ये वाला राउंड इसमें हमारे ये तीन यहाँ पे डबल क्रोशेस बनेंगे, यहाँ पे भी तीन बनेंगे, यहाँ पे 17 सिंगल क्रोशेस बनेंगे। तो ये बना लेते हैं अब पूरा राउंड। तो इस राउंड के बाद अब फिर यहाँ पे हमारे ये 15 सिंगल क्रोशेस हुए हैं, 15 सिंगल क्रोशेस। और फिर हम यहाँ एक स्लिप स्टिच करके एक चेन लेंगे और फिर इस बार हमने चेन्स जो है ये चार की जगह पांच कर देनी है, 5 चेन्स 2 4 5। पांच चेन्स करने के बाद अब फिर जो है तीन डबल क्रोशेस का पहले यहाँ पे शेल बनाएंगे, 1 2 3। और फिर दो चेन्स और फिर तीन चेन्स का डबल क्रोशे। तो ये हम यहाँ पे तो ऐसे ही बुनेंगे जैसे कर रहे थे, और पांच चेन्स यहाँ पे लेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमारे ये 15 जो है सिंगल क्रोशेस आएंगे। तो ये वाला राउंड अब पूरा ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। तो इस राउंड के कंप्लीट होने पे अब हमने यहाँ पे एक चेन तो ये ली, अब हम 6 चेन्स लेंगे, 6 चेन्स 2 3 4 5 6। 6 चेन्स लेने के बाद अब फिर से यहाँ पे ऐसे ही जो है शेल बनाएंगे, 2 चेन्स फिर शेल बनेगा, 2 चेन्स लेंगे फिर शेल बनेगा। तो पहले हम इसे यहाँ तक बना लेते हैं शेल्स को। ये देखिए ऐसे हमारे ये 5 शेल्स बन गए। अब यहाँ पे फिर से 6 चेन्स लेंगे, 1 2 3 4 5 6। और अभी हमारे 13 यानी कि 13 जो है सिंगल क्रोशेस बनेंगे और ये वाला राउंड अब हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे, 13 सिंगल क्रोशेस, 6 चेन्स और 5 शेल्स। तो ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला राउंड कंप्लीट करने के बाद हमारा इतना ये बन चुका है। और इस राउंड में फिर हम वही करेंगे, एक स्लिप स्टिच से ऐसे पहले ज्वाइन करने के बाद इस बार हमारी ये 7 चेन्स बनेंगी, 7 चेन्स, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 चेन्स के बाद फिर से हमारा ये यहाँ पे जो है डबल क्रोशे का एक शेल बनेगा, 3 का। और फिर उसके बाद 2 2 चेन्स लेकर 3 3 का शेल जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाते जाएंगे। तो ये वाला राउंड अब ऐसे ही हम कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत आसान है। बस यहाँ पे हमारी ये 7 चेन्स बनेंगी और अब ये हमारे जो है 11 सिंगल क्रोशेस आएंगे, 11 ही सिंगल क्रोशेस आएंगे। तो ये राउंड पूरा ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये राउंड कंप्लीट करने के बाद फिर से हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे और इस बार हमने 8 चेन्स लेनी है, 8 चेन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। और फिर ऐसे ही जो है 3 डबल क्रोशेस बनाएंगे और उसके बाद अब हमारे ये जो पहले 11 सिंगल क्रोशेस थे अब ये 9 हो जाएंगे, 9 सिंगल क्रोशेस। और जैसे हमने चेन्स बढ़ाई वैसे ही हम चेन्स भी बढ़ाते जाएंगे। तो अब ये वाला राउंड भी हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे 9 सिंगल क्रोशेस बनाते हुए।
तो ये राउंड कंप्लीट करने के बाद फिर से हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे और इस बार हमने 8 चेन लेनी है, 8 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर ऐसे ही जो है 3 डबल क्रोशेज बनाएंगे। और उसके बाद अब हमारे ये जो ये हमारे 9 थे, अब ये 7 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो अब ये वाला राउंड भी हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड भी ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये जो है राउंड कंप्लीट होने के बाद अब हमारा ये जो सर्कल है ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमने सिर्फ 2 राउंड्स और बनाने हैं। तो इस राउंड में फिर से हम जो है पहले 8 चेन लेंगे और ये बीच वाले जो फंदे हैं इनमें से हम 3 को बनाएंगे, ये देखिए, और 9 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 चेन लेने के बाद फिर से हमने यही वाला राउंड जो है वो बनाना है, 3, फिर 2 चेन। तो ये वाला हम राउंड जो है वो बना लेंगे, ये लास्ट राउंड है। फिर से ऐसे ही बनाते जाएंगे, बीच में 3 हमने सिंगल क्रोशेज लेने हैं। तो ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये राउंड कंप्लीट करने के बाद अब हमारा ये लास्ट राउंड है। उसके बाद आप इसे और अगर एजेस का बनाना चाहते हैं या आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी हम इतना ही इसे बना रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम कैसे इस राउंड को खत्म करेंगे। यहाँ पे हम 5 बार इस तरह से धागा लपेटेंगे, 5 यार्न ओवर्स, और जैसे हमने पहले किया था इस तरह से चेन्स बना लेंगे, ऐसे, ये देखिए। अब 3 चेन्स लेंगे, 1 2 3, और इसी पॉइंट में हमने 2 और डबल क्रोशेज बनाकर ये देखिए ये यहाँ पे शेल बना लिया 3 का, ऐसे। अगला पॉइंट है इसमें 3 क्रोशे बनाने से पहले यहाँ पे 2 चेन्स लेंगे और इस पॉइंट में 3 डबल क्रोशेज बनाएंगे। देखिए अब हमने जो ये चेन्स लेकर हम यहाँ से ज्वाइन कर रहे थे वो नहीं कर रहे हैं, अब हम आउटलाइनिंग टाइप जो है इसकी ऐसे ऐसे 3 डबल क्रोशेज बनाते जाएंगे, 2 चेन्स लेते जाएंगे, फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशेज बनाते जाएंगे। तो पहले हम इन 3 डबल क्रोशे को जैसे बना रहे थे वैसे यहाँ तक बना लेते हैं, इस पॉइंट तक ऐसे ही बना लेंगे 2 चेन्स और 3 डबल क्रोशेज। ये देखिए यहाँ तक हमने इसे ऐसे ही बनाया, और फिर यहाँ पे 2 चेन्स लेंगे और इस अगले वाले पॉइंट में डायरेक्ट हम ऐसे ही जो है 3 डबल क्रोशेज बना लेंगे। अब हम ये देखिए यहाँ से टच नहीं करेंगे जैसे पहले कर रहे थे, और ऐसे हम इस सर्कल की आउटलाइनिंग अब ऐसे 3 डबल क्रोशेज और 2 चेन्स बनाते हुए कंप्लीट करेंगे, 1 2, और फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशेज। तो फ्रेंड्स ये पूरा राउंड ऐसे ही अब हम 3-3 डबल क्रोशेज और 2-2 चेन्स बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो ये बना लेते हैं पहले। देखिए फ्रेंड्स हमारा ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट में देखिए हमने कैसे इसे जोड़ना है। ये जो हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशेज बनाए, फिर 2 चेन्स लेंगे, और जो पहले सबसे हमने इस तरह से बनाया था ये डबल क्रोशे, इसमें हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे, और इस तरह से हमारा ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ा सा क्योंकि एज जो है ये मुड़ रहा है या वैसे भी ये बहुत इनकम्प्लीट सा लग रहा है, तो थोड़ा सा फिनिशिंग के लिए हम इसका एज बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, 3 चेन्स लेंगे पहले। अब ये जो 3 डबल क्रोशेज है इन पे 3 डबल क्रोशेज बनने थे, एक तो ये 3 चेन्स वाला हो गया, 1 2 और ये 3। 3 डबल क्रोशेज बनाने के बाद जो ये बीच की 2 चेन्स है इसमें देखिए पहले 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, और साथ में यहाँ पे हमने पीकॉट्स भी बनानी है। देखिए कैसे ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 चेन्स ली। अब ये जो 2 इस तरह से लूप्स हैं इसमें हम ऐसे टाइट एक स्लिप स्टिच बना लेंगे, स्लिप स्टिच बनाने के बाद इसी जो है चेन स्पेस में एक और डबल क्रोशे बना लेंगे, यूं,
अब देखिए फिर से तीन डबल क्रोशेस जो है इन तीन के ऊपर बनेंगे, वन टू थ्री, और जो फिर इन दो चेन्स के बीच में दो डबल क्रोशेस बनने हैं उनमें से एक बनाने के बाद तीन चेन्स लेंगे, वन टू थ्री, और फिर से ये जो दो लूप्स हैं इसमें से ऐसे एक स्लिप स्टिच बना के इसे ज्वाइन करेंगे और फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ऐसे हमने इन दो दो डबल क्रोशेस के बीच में एक एक जो है पीकॉट बनाते जाना है, और ये जो तीन डबल क्रोशे हैं ये नॉर्मल तीन डबल क्रोशेस ही बनेंगे। आप चाहें तो इन तीन के बीच भी एक बना सकते हैं अगर आपको जो है पास पास रखना है इनको, यानी कि वन टू थ्री, फिर इन दो के बीच में से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे टाइट सा और फिर एक डबल क्रोशे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये वाला राउंड भी हमारा ऐसे ही कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे ये तीन जो है डबल क्रोशे के बाद एक डबल क्रोशे बना था, अब फिर यहाँ पे तीन चेन्स लेके हम पीकॉट बनाएंगे ऐसे, और फिर एक डबल क्रोशे बनाने के बाद इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके ये पूरा का पूरा हमारा राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा, और हमारा जो ये क्लॉथ है जो भी फैब्रिक आप बना रहे हैं वो भी डॉयली जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इस धागे को यहाँ से काट लेते हैं, ये देखिए ऐसे हमने इसे काट लिया। अब इसे यहाँ से टाइट करके सिक्योर कर लेंगे। फ्रेंड्स वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, देखिए पीछे से हमने इस तरह से जो है इस धागे को फिनिश कर लेना है, इन्हीं धागों के बीच में हम इसे वीव इन कर लेंगे इस तरह से। तो इसे हम पूरा अंदर तक ऐसे ही बंद कर लेंगे और फिर देखते हैं ये बनने के बाद कैसी दिखाई देती है। तो देखिए हमारी डॉली बनकर रेडी हो गई है, पूरी बनने के बाद ऐसी दिखाई देती है और बहुत ही आसानी से ये बनी है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसके इंग्लिश कैप्शंस भी लिखे हुए हैं और पूरा इसे मैंने स्टेप वाइज बताया है कि कैसे हम इसे बनाएंगे। तो इसे ट्राई कीजिएगा, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए चैनल से। टेक केयर।